मुख्यमंत्री कमलनाथ जी किसानों से तमाम वादे करके आप सत्ता में तो आ गए, लेकिन अब आपकी सरकार किसानों के मसले पर कतई गंभीर नहीं है। किसानों का पूर्ण कर्ज तो छोड़िए, उनके दो दो लाख रुपए तक आप माफ नहीं कर पाए हैं, जबकि मात्र 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान कर आप सत्ता में आए थे। ऐसे में किसान बैंकों का डिफॉल्टर हो रहा है और 55 लाख किसानों का बोनस अटका हुआ है, और आपके मंत्री कह रहे हैं हमारे पास कोई पेड़ नहीं जो हिला के पैसे मिल जाए। ये तो बेशर्मी की हद है। कमलनाथ जी, आपकी लच्छेदार बातों से किसानों का भला नहीं हो पा रहा है। आपने और आपके तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद होकर 1 साल पहले मध्य प्रदेश के किसानों से कहा था कि कांग्रेस सरकार बनते ही सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों का दुर्भाग्य है कि एक भी किसान का पूर्ण कर्ज माफ आपकी सरकार नहीं कर पाई है। इसमें आपने 2 लाख का पेंच फंसाया, लेकिन अब तक ना तो 2-2 लाख का कर्ज माफ हुआ है और ना मुख्यमंत्री बदला गया। ये बताता है कि किसानों को आपने सिर्फ वोट समझा, एक इंसान नहीं। 55 लाख किसानों का बोनस अटकने पर आपके मंत्री गोविंद सिंह ने आंखें तरेरनी शुरू कर दी हैं। वे कह रहे हैं हमारे पास बेर का पेड़ नहीं जो हिलाने से पैसा निकल आए। 15 साल में बीजेपी ने खजाना खोखला कर दिया है। हमारे पास कोई बेर का पेड़ तो है नहीं कि उसको पैसा निकल आए। जब हमारी आर्थिक स्थिति भारतीय जनता पार्टी खोखला कर गई है, धीरे धीरे हम आमदनी कर रहे हैं, खर्चे अपने कम कर रहे हैं, और खर्चे कर करके सरकार जो किसानों को भुगतान कर रहे हैं। कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश की माली हालत चुनाव के पहले से आप जानते थे। जब आपको पता था कि आप सत्ता में आकर भी जो काम नहीं कर सकते हैं उसका वादा आपको किसानों और जनता से नहीं करना चाहिए था। सीधे सीधे कहें तो सिर्फ सत्ता में आने के लिए आपने और आपकी पार्टी ने लोगों को गुमराह किया है। उस पर किसानों की मदद के बजाय आपके मंत्री ये कहें कि हमारे पास पैसे का कोई पेड़ नहीं है तो ये आपकी समस्या है। आपके और आपके इन मंत्रियों के बंगलों पर करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए सरकार पर पैसा है, आपके लिए हवाई जहाज खरीदने के लिए सरकार पर पैसा है, तो फिर किसानों और आम लोगों की बात आते ही आप ठनठन गोपाल क्यों हो जाते हैं? आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।